कैंट थाना क्षेत्र में 23 अगस्त को हुई फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह के पुत्र और ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल, 9 MM के 4 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन प्रतिबंधित बोर, 303 बोर राइफल के 2 कारतूस, 5.56 बोर राइफल के 5 जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर की कार बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल के संचालन को लेकर इन लोगों ने फायरिंग की थी, जिससे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 नामजद अभियुक्तों पर 25,000 के इनाम घोषित किए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। ये दिनांक 22 तारीख की रात में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। बेतिया हाता जो थाना कैंट के अंदर आता है, वहाँ पर एक घटना हुई थी। जो वादी पक्ष है उनके द्वारा रंगदारी और इत्यादि धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत कराया था और ये नेम्ड FIR उनके द्वारा कराई गई थी। ये घटना का अनावरण करते हुए इसके अंदर जो प्रिंस अगम सिंह है, जो कि वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं हैसर संत कबीर नगर के, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से असले भी बरामद किए गए और घटना के अनावरण में ये चीज़ प्रकाश में आई है कि दोनों पक्ष जो है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को वहाँ पर करते थे और इस बीच एक नया हॉस्पिटल वहाँ पर खुला था, जिसके अंदर जो बाहर से पेशेंट्स आ रहे थे और जिनको यहाँ पे समय लगता था, उन लोगों के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के पूर्व में ये भी चीज़ प्रकाश में आई कि घटना के दिन भी पंचायत हुई थी और पंचायत इनके बाद जब इनकी प्रॉपर नहीं हो पाई तो उस दिन रात में जो है फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान ये घटना हुई, जिसके अंदर कुछ लोग चोटिल हुए थे। इस घटना के अंदर जो बाकी शेष लोग हैं उनका नाम भी प्रकाश में आ गया है और उनके ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और शीघ्र उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये रंगदारी का चीज़ नहीं होते, इस चीज़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। क्या सब लोग आपस में परिचित हैं? ये सारे लोग एक दूसरे से परिचित हैं और इसलिए इन्होंने नेम्ड FIR भी कराई थी। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो यहाँ पर संचालित हो रहा था, इसके अंदर एक हॉस्पिटल जो है संजीवनी हॉस्पिटल है, जो कि रिलेटेड है जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे, और जो दूसरे दो हॉस्पिटल्स चल रहे थे पल्स और सर्वोदय। तो ये पल्स हॉस्पिटल जो है पूर्व में खुला था, सर्वोदय हॉस्पिटल अभी नया खुला था वहाँ पे सर्वोदय क्लिनिक के नाम पे, और ये विगत 10 दिन के अंदर ही खुला था। और इस चीज़ को लेके इनके पेशेंट्स, जैसा मैंने बताया कि दिखाने को लेके विवाद हुआ, फिर झगड़ा हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। इसके अंदर जो प्रिंस अगम सिंह को, जैसे मैंने बताया, गिरफ्तार कर लिया है, शेष लोगों को भी गिरफ्तार शीघ्र किया जाए। दबाव बनाना था आपस में, जो एक तरह के लेके बंटवारे को लेके कि पेशेंट्स किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, इस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ। फरार अभियुक्त थे, क्या उनको इनाम घोषित? जी बिल्कुल, उनके ऊपर इनाम घोषित किया। जो फरार अभियुक्त हैं उन सबके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। कितने अभियुक्त हैं अभी? घटना के हिसाब से हम लोग को 3 प्रकाश में आए, और भी अगर प्रकाश में आते हैं जो व्यक्ति अभी जेल जा रहे हैं, इनको कस्टडी रिमांड पर लेके और पूछताछ की जाएगी और डेवलप करने, जैसे और लोग प्रकाश में आते हैं उन लोग की भी गिरफ्तारी की जाएगी।